बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। सबसे पहले तो मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी लोगों का कि इतने बुद्धिजीवियों के बीच में मुझे आने का आपने अवसर दिया है। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं और भैया ने जो लाइनें लिखी है इस तरह की लाइनें लिखने की भी मेरी क्षमता नहीं है, पर मैं भैया को बहुत सुनता रहा हूं बचपन से ही। और सच बात तो यही है कि अब इनके गाने के बाद गाने की मेरी हिम्मत भी नहीं है। देखिए आफ्टर ऑल तो आजादी के बाद का समय है, हमें तालियां बजानी है, हमें इंडिया को एंजॉय करना है। हमारी अंग्रेजी में कोई गलती हो तो मुझे मेरे टीचर को दोष देना। अभी मैं एक दो दिन पहले गया था आजमगढ़, अनपढ़ कभी पढ़े लिखे नहीं हो। अच्छा नाम है उनका, उनका नाम ही है अनपढ़ कभी। अच्छा, मतलब साक्षर नहीं, शिक्षित है। मजा आ गया। चारों पुष्प पड़ोसी का सिनेमा देखा था। पंद्रह अगस्त के दिन मैं गया था और वो गा रहे थे, उनकी लाइन में सुना, मैं बोला वाह। तो लोग बताए कि अनपढ़ कभी है, और वो लाइन जो बोल रहे थे कमाल की लाइन बोल रहे थे। चूंकि आज आप लोगों के बीच में जिस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला, एक शाम शहीदों के नाम, तो पहले दो लाइन कहना चाहूंगा अपने शहीदों के लिए। करता कदर कौन माता मही की, अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते। ये भी लाइन मेरी नहीं है, ये हमारे बड़े भैया हैं प्यारे लाल कवि जी, उन्होंने लिखा। करता कदर कौन माता मही की, अगर जन्म लेने के रिश्ते न होते। आजाद होता न भारत हमारा, अगर हिंद में कुछ फरिश्ते न होते। उन्होंने लिखा कि जन्मे किशन सिंह की गोदी के तारा, जन्मे किशन सिंह की गोदी के तारा, दिया खून से सींच भारत की रेती। वह थे भगत सिंह बचपन में कहते, करूंगा पिताजी बंदूकों की खेती। ऐसा भाव अगर किसी बालक के मन में आता है तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे के देश को कोई गुलाम नहीं रख सकता है। तो सच सच नमन है हमारे उन वीरों को, उन शहीदों को, जिनके वजह से आज हम आजाद हैं, उनकी कुर्बानी की वजह से, उनकी शहादत की वजह से, और आज हमें आजादी मिली है कि हम बोल पाते हैं, अपने मन का बोल लेते हैं। कुछ लोग ज्यादा भी बोल देते हैं। बोला था रिपीट कर, वो उसको खुश है वो। अच्छा वाह। मैं भी आ
आजादी पसंद है। क्या आजादी किसे नहीं पसंद है? अगर पशु पक्षी से भी पूछें कि आपको सोने के पिजड़े में रहना पसंद है, दूध भात खाना पसंद है, या आजाद रह के सूखी रोटी खा के अपना गुजारा कर लोगे, तो वो पक्षी भी कहेगा कि मुझे आजादी चाहिए, सूखी रोटी खा लूंगा, दूध नहीं चाहिए। पर ये सोने का पिजड़ा किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। तो आजादी मिली जिनके दम पे, उनको नमन तो हमें करना ही चाहिए, ये हम सब का कर्तव्य है। अनपढ़ कवि वाला गनवा दूल्हा इनका दे, अरे गाओ बिना इंतजार करते। आप लोग पता चल हमरो बोतलवा के उठाया दूर रहते बोल। ऐसे होता है कभी कभी, पर देखिए ना भैया संजोग से आशीर्वाद ही है। इतनी छोटी बात पे इतनी हंसी नहीं आ सकती अगर मन खुश ना हो, इसका मतलब मन खुश है आज सबका। अनपढ़ कर भी अरे यार जो बात लिखे भैया बहुत मजा आया। अच्छा आप लोग भोजपुरी समझते हैं? जुगल जोड़ी जाना ना लो, तो वो जुगल जोड़ी पे गाना गा रहे थे। अरे जुगल जोड़ी हो जुगल जोड़ी हो जुगल जोड़ी अब पियो के ना छोड़ी। मैं कहा कि वाह कमाल लाइन आपने लिख दिया, तो बोले कि हाँ लिखा भी इसलिए हूं कि किसी दिन हमारे सांसद अगर आजमगढ़ में आ गए तो उनको सुनाऊंगा। मैं बोला क्यों? क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं ना 370 का। तो कहा कि हम कल कोनो बात ना आधा आधा था, अनुमति दे दीजिए। हाँ हम कल अगर हमके अनुमति दा तो हम जाते हैं JNU, वहां भैया लोग हमको बुलाए हैं, तो वहीं पे मैं गा देता हूँ, आपके सांसद तक बात पहुंच जाए। प्योर प्योर फोक का ये अंश। हाँ एकदम फोक। कि जुगल जोड़ी हो जुगल जोड़ी अब पियो के ना छोड़ी। जुगल जोड़ी आप लोग समझ रहे हैं किसको वो संबोधित करके लिख रहे हैं? हमारे, मैं तो उनको पूजनीय कहता हूं, हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और चाणक्य। कि जुगल जोड़ी हो जुगल जोड़ी, और हमारे यहां जोड़ी उसको भी बोलते हैं वो जो बजाते हैं ना,
मजीरा, क्या कमाल बजा रहा था वो आदमी, मैं यहाँ गाऊंगा तो बजा पाऊंगा। जोड़ी था जोड़ी जोड़ी ना, उनका जो अंदाज था भैया बजाने का, मैं एक लाइन खाली बताऊंगा, क्योंकि कभी हमारे ये जो भैया लोग हैं, कभी मन किया इस गाने को गाने का, तो आप लोग अगर वैसा जोड़ी बजाने की कोशिश करेंगे, अरे वाह गुरु जी, उनका अंदाज इतना अच्छा था, मेरे करा हमारे में ढेर दम ना है।